फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी नहीं, आज मैं शेयर करूंगी दीपावली में मैंने क्या क्या बनाया था। उसके एक छोटा छोटा सा क्लिप मैंने लेके रखा है, उसी के क्लिप्स और कुछ जो दिवाली स्पेशल थाली में मैंने रखा है वो मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो को फुल देखिए, अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और नए नए रेसिपीज़ के लिए कुक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो बहुत छोटा है तो फुल देखिएगा। मैंने दो तरह के सब्जी बनाया है, यहाँ पे बनाया है चना मसाला और वैसे भी पुलाव बनाया है, और अभी मैं मशरूम की सब्जी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये ना शॉर्ट्स में मैंने शेयर किया है इसका डिटेल वीडियो, बहुत अच्छा है, मशरूम मसाला है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं शॉर्ट्स में इस बार ज्यादा वीडियो शेयर किया है, लेकिन जो रेसिपी है वो भी मैंने शेयर कर दिया है, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो मैंने शेयर कर दिया है, तो मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा बना है ये जो सब्जी है, और बाकी तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। और अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने क्या क्या बनाया है। साथ में मैंने बनाया है पूरियां। फ्रेंड्स, चलिए क्विक लुक देखते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी से स्टार्ट करते हैं। मैंने बनाया पूरी और आज के जो दिवाली थाली थी, और यहाँ पे मशरूम मसाला है, पुलाव है, और ये चना सूखा मसाला है, और खीर बनाया है। दिवाली स्नैक्स था तो इसमें मैंने बनाया है पोहा चिवड़ा, ये है चीज नमक पारे, हम लोग सभी बनाते हैं चकली या मुरुक्कू, और यहाँ पे मैंने बनाया है मठरी और कचौड़ी। कचौड़ी की रेसिपी मैंने रिसेंटली शेयर किया है। तो चलिए मीठे में क्या बनाया देखते हैं। तो मीठे में मैंने बनाया है ये काजू लोटस फ्लावर, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब ये गुजिया जो है हमारा चंद्रकला गुजिया, ये तो काफी अच्छा लगता है हम सबको, वैसे आप नॉर्मल गुजिया भी बना सकते हैं, तो मैंने सोचा मुझे ये ज्यादा आसान लगता है नॉर्मल गुजिया से। और ये कलाकांत, मैंने कल ही रेसिपी शेयर किया, वैसे भी मेरे चैनल में इसकी रेसिपी फुल रेसिपी भी है, शॉर्ट्स में भी मैंने शेयर किया है। तो अगर जो भी आप लोगों को देखना है मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये दिवाली थाली और जितने भी मैंने दिवाली स्नैक्स बनाया है वो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं फिर कह रही हूँ, सारी रेसिपीज मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया है और कुछ मैंने फुल वीडियो भी बनाए हैं, और ये सारे जो स्नैक्स हैं ये फुल वीडियो भी मेरे चैनल में है, दिवाली जो स्पेशल है उसमें मैंने रखा है। और अभी मैंने एक शॉर्ट्स के जो वीडियोस है उसको लेके प्लेलिस्ट में फेस्टिव सीजन शॉर्ट्स वीडियो करके रखा है, तो उसमें भी मैंने सारा जो वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, कई लोगों को डिटेल वीडियो नहीं चाहिए होता है, तो उस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स सारा लिख दिया है, तो वहां से भी आप जो इंग्रेडिएंट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, स्पेशली मैंने जो दिवाली थाली बनाया है वो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। यहाँ पे मैंने बनाया है चना मसाला जैसे मैंने बोला है, यहाँ पे चावल का खीर है, पूरी है और पुलाव है, और साथ में दिवाली जो स्नैक्स है आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो शॉर्ट्स में मैंने दिया है, आप शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं, या फिर जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, अभी अभी मैंने फेस्टिव प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर में आप लोग को मिल जाए। तो इसी तरह नए नए वीडियो और वैरायटी वीडियो देखने के लिए कुक एंड बेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड्स।